अब इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है कि जो कांच वाली जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, उसका जो लोहे का जो ढक्कन होता है, उसको मोड़ने का प्रयास करना होता है। हमको अपना एक ही हाथ यूज़ करना होता है और उस कैप को हमको अपने अंगूठे के बल से और अपने जो चारों उंगलियां हैं इनके बल से उसको मोड़ने का प्रयास करना होता है। मेरे पास वो ढक्कन थे नहीं, तो फिर मैंने उसकी जगह पर ये दिए का प्रयोग कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि हमको या तो सीधे हाथ का प्रयोग करना है या फिर उल्टे हाथ का प्रयोग करना है। तो फिर हम अभी सीधे हाथ का प्रयोग करके दिखा रहे हैं। तो फिर अब देखिए कि इस वीडियो में मैं आपको अपने हाथों के बल से, अपने अंगूठे से, अपनी ये जो तर्जनी उंगली है या फिर ये जो सबसे बड़ी उंगली है, इससे मैं इस दिए को तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखोगे कि मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ इस दिए को तोड़ने का, लेकिन फिर भी ये दिया नहीं टूट पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी हमारे जो टेंडन्स हैं वे इतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं। मैं सोचता था कि मेरे टेंडन स्ट्रांग होंगे, लेकिन जब मैंने इस क्रिया को करा, इस प्रकार से मैंने जब इस दिए को तोड़ने का प्रयास करा, तो फिर नहीं टूट पाया। क्योंकि ये नॉर्मल सा दिया है, ऐसा देखने में ऐसा लग सकता है कि इसको बड़ी ही आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये दिया नहीं टूट पा रहा है। और आप इस क्रिया को करके देखना कि जो भी भाई पपसी व्यायाम करते हैं, उस वह दिए को इस प्रकार से तोड़ने का प्रयास करना। जब आप पांचों हाथों की उंगलियों का प्रयोग करके इसको तोड़ने का प्रयास करोगे, तो फिर ये टूट जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब हम सारी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, तो फिर इतना बल लगा सकते हैं कि यह दिया टूट जाए। लेकिन जब हम सिर्फ अंगूठे का प्रयोग कर रहे हैं या फिर किसी और उंगली का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर यह नहीं टूट पा रहा है। इसका मतलब तो यही है कि अभी हमारी जो उंगलियां हैं उनके टेंडन्स स्ट्रांग हुए ही नहीं हैं। यदि हमारी उंगलियों के टेंडन स्ट्रांग होते, तो फिर जिस प्रकार से मैं इसको अंगूठे से इस प्रकार से तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, तो फिर यह बड़ी ही आसानी से टूट जाता। लेकिन मैंने खूब प्रयास करा और खूब प्रयास करने के बावजूद भी यह बिल्कुल भी नहीं टूटा। और यदि इसकी जगह मैं अपने हाथों का प्रयोग करके इसको तोड़ने का प्रयास करता, तो फिर यह टूट जाता। क्योंकि हाथ में पावर है और बाकी जो उंगलियां हैं यह अभी इतनी स्ट्रांग हुई नहीं है। इन उंगलियों के जो टेंडन्स हैं ये इतने स्ट्रांग हुए ही नहीं है कि यह एक साधारण से मट्टी के जो दिए हैं इसको बड़ी ही आसानी से तोड़ सके। मैं इसको बार बार तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये नहीं टूट पा रहा है। इसलिए जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे, ये नॉर्मल सी दिखने वाली एक्सरसाइज है, लेकिन इसको करना और इसको जब आप करोगे, तब आप देखना कि कितना ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है इस दिए को तोड़ने के लिए। अभी तो दिवाली गई है, इसलिए सबके घर में दिए होंगे, तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर करके देखना। और जो भी इसको तोड़ पाएगा वो मेरे को ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी ऐसा लग सके कि हाँ, जिन भाइयों ने पपसी व्यायाम करा है, राममूर्ति व्यायाम करा है, उनकी टेंडन की जो पावर है वह सच में बड़ी है, तभी उन्होंने इस दिए को बड़ी ही आसानी से तोड़ दिया है। बाकी मैं तो इसको तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं टूट पा रहा। और जब आप सीधे हाथ से इस व्यायाम को पूरी तरह से कर लोगे, दिए को तोड़ने का प्रयास करोगे, या फिर दिए की जगह पे जो कोल्ड ड्रिंक की जो लोहे वाली जो कैप आती है उसको जब आप मोड़ने का प्रयास करोगे, तब आप देखना कि कितना अधिक बल लगाना पड़ रहा है। जब आप सीधे हाथ से इस व्यायाम को कर लोगे, तो फिर इस व्यायाम को करना है ताकि हमारे दोनों हाथों की जो ग्रिप की जो पावर है वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही नॉर्मल सी एक्सरसाइज है और मैं इसको बड़ी ही आसानी से तोड़ दूंगा। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं इस दिए को अपने एक ही अंगूठे के बल से तोड़ दूंगा, लेकिन सच कहूँ तो मैं इसको नहीं तोड़ पाया, आप वीडियो में खुद ही देख पा रहे हो। और इसके बाद मैंने उल्टे हाथ से भी तोड़ने का प्रयास करा, तो उल्टे हाथ से भी यह नहीं टूट पा रहा, क्योंकि अभी मेरी जो हाथों की जो उंगलियों की जो स्ट्रेंथ है वह इतनी नहीं बड़ी है। और मुझे ऐसा लगता था कि बढ़ गई होगी क्योंकि व्यायाम कर रहा हूँ, लेकिन मेन बात यह है कि हमारे बॉडी के जो कुछ महत्वपूर्ण और जो छोटे अंदरूनी अंग होते हैं उनको अलग एक्सरसाइज की जाए, तो फिर वहाँ पर हमें ज़्यादा असर देखने को मिलता है। इसलिए जो एक्सरसाइज बताई गई हैं ये एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए बताई गई हैं, ताकि जो हमारी ग्रिप की जो पावर है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ सके। इसलिए जब आप दिए को इस प्रकार से तोड़ने का प्रयास करना, तब आप देखोगे कि हाँ, अब मैं इसको अंगूठे से तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, तो फिर मेरे अंगूठे की जो सारी टेंडन्स हैं
उनको काम करना पड़ रहा है। इसी तरीके से जब आप और दूसरी उंगली से तोड़ने का प्रयास करोगे तो फिर आपकी उस उंगली के जो टेंडन्स हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोड पड़ेगा, और जैसे जैसे इसको तोड़ते तोड़ते ज़्यादा से ज़्यादा लोड पड़ने लगेगा तो फिर जो हमारी टेंडन्स है उनकी जो ताकत है वह बढ़ने लग जाएगी, और जब हमारी टेंडन्स की जो ताकत है वह बढ़ने लग जाएगी तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारी जो ग्रिप की जो पावर है वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए शुरुआत में आप जब इस एक्सरसाइज को करोगे तो फिर शायद आप इसको तोड़ पाओ या ना तोड़ पाओ, जो भाई इसको तोड़ पाएगा उसका तो मतलब यही है कि हाँ उसकी जो ग्रिप पावर है वह सच में बढ़ी हुई है और उसकी जो टेंडेंस की जो शक्ति है वह भी बढ़ी हुई है। बाकी जो नहीं तोड़ पाएंगे उसका मतलब यह है कि अभी उनकी ग्रिप पावर इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई है, उनके टेंडेंस इतने शक्तिशाली नहीं हो पाए हैं। एडवर्ड एस्टन ने ये जो एक्सरसाइज बताई है इसको आप करना और देखना कि अभी आपकी जो फिंगर्स हैं उनकी जो टेंडेंस हैं उनकी ताकत कितनी बढ़ी गई है। इसलिए इस एक्सरसाइज को बताया जाता है ताकि जो हमारी जो ग्रिप की जो पावर है वह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, और जब ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी तब आप स्वयं ही देख लोगे कि हाँ मेरी ग्रिप की जो पावर है वह कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। आप इसको किसी भी समय कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। दिन में 5 मिनट का टाइम निकाल कर, 10 मिनट का टाइम निकाल कर आप इस एक्सरसाइज को बड़ी ही आसानी से कर सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत सारी होती हैं ग्रिप पावर को बढ़ाने के लिए, और उन्हीं एक्सरसाइज में कुछ ये एक्सरसाइज हैं जिनको आप करके अपनी ग्रिप की पावर जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो। मेन बात है करने की। और एडवर्ड एस्टन बोलते हैं इस एक्सरसाइज को कितनी देर तक करना है, या फिर कोई भी एक्सरसाइज जो है हमको उतनी देर तक तो करना ही है जब तक कि हमारी जो फिंगर्स हैं और जो हमारी फोर आर्म्स हैं उनमें दर्द ना होने लग जाए। इन एक्सरसाइज को करते हैं तो फिर जो हमारे अंदर के जो टेंडन्स हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, और जब उन पर प्रेशर पड़ता है तो फिर हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वह गर्म होने लग जाती हैं और उनमें दर्द भी होने लग जाता है। तो जब हम इन एक्सरसाइज को करेंगे तो फिर हमारी जो टेंडन्स हैं उन पर असर पड़ता है और वह गर्म होने लग जाती हैं, तो फिर आप समझ लेना कि हाँ टेंडन्स पर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ा है, इसलिए इस एक्सरसाइज से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा।